ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासन की लापरवाही के चलते ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में दूषित गंदा पानी मां नर्मदा में मिल रहा है। वहीं बात करें ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में स्वच्छता की, तो ओमकारेश्वर नगर परिषद स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। ओमकारेश्वर में 16 करोड़ की लागत से योजना भी दी गई थी, वह भी योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और ओमकारेश्वर नगरी का गंदा दूषित पानी नालियों के माध्यम से गौमुख घाट, नागर घाट व प्रमुख घाटों पर मिल रहा है। इसी के चलते लाखों की संख्या में ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में श्रद्धालु गंदे पानी और दूषित पानी से स्नान कर रहे हैं। ओमकारेश्वर दौरे पर आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ऐसे नालों को चिन्हित किया जाएगा और आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नर्मदा में मिल रहे दूषित गंदे पानी को लेकर आवश्यक कदम उठाएगी। ओमकारेश्वर में अभी राज्य सरकार ने तय किया जैसे महानकाल लोक बन रहा है, ऐसे ओमकारेश्वर लोक भी बने, साथ ही नर्मदा जी भी पवित्र रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि वे सब क्षेत्र आइडेंटिफाई करें जहां पर नर्मदा जी में गंदे नाले मिल रहे हैं, हम सब उनको आइडेंटिफाई कर आने वाले 1-1.5 वर्षों के अंदर सारे नाले नालों को डाइवर्ट करेंगे। वहां STP लगाना पड़ेगी तो STP लगाएंगे, बाकी नर्मदा जी की पवित्रता कायम रखेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मात्रा में जो होटलों का पानी आ रहा है, यहाँ पे नर्मदा जी पूरी गंदगी हो रही जा रही है नर्मदा जी में, इसके लिए कुछ भी करना चाहिए व्यवस्था जिससे कि ये गंदगी नहीं हो पाए। यहाँ पे जो साइड से जो नाली बह रही है वो जो इसका सीपेज हो रहा है, यहाँ पे लोग नहाते हैं और वहाँ आगे जाके गंदा पानी पूरा नर्मदा जी में मिलता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन ही है इसमें जिम्मेदार, और कौन है? प्रशासन को ये सारी व्यवस्थाएँ करनी है। ओमकारेश्वर और ज्योतिर्लिंग अपने यहाँ हैं मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इन ज्योतिर्लिंगों की साफ सफाई का जवाबदारी तो प्रशासन की है और स्थानीय प्रशासन पे इसको ध्यान देना चाहिए। सरकार को तो देना ही चाहिए पर स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय नगर पालिका या नगर पंचायत जो भी है यहाँ पे, उनको पूरा ध्यान देना चाहिए जिससे कि ये गंदगी जो है, ये गंदगी के कारण क्या है कि लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। और कल नर्मदा जी भी गंदगी होगी, हम नर्मदा जी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और एक दिन नर्मदा जी में ऐसी गंदगी है, तो ये सोचने वाली बात है। धार्मिक स्थल पर ऐसी गंदगी नहीं होना चाहिए। आपका नाम बता दें? हीरा लाल बिश्नोई। दर्पण न्यूज के लिए ओमकारेश्वर मांधाता से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।